हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज की वीडियो में हम विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में देखेंगे, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहा जाता है। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो। तो ये डायग्राम देख करके आप लोगों को जरूर याद आ रहा होगा, बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सेम यही टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अगर आप लोगों ने बीएससी सेकेंड ईयर में ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, काफी लोगों के सिलेबस में नहीं था, बट कुछ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये बीएससी सेकेंड ईयर में भी था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है। बट यहाँ पर हम कुछ और भी चीजें ऐड करेंगे, जो कि आप लोगों को वीडियो पूरा देखने पर पता चलेगा, क्योंकि ये टॉपिक हम बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर के जितने भी वीडियोज आपको मिलने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के प्ले लिस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारे टॉपिक का नाम है विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्ट्रक्चर बताने से पहले, इसका डेफिनेशन बताने से पहले, मैं आप लोगों को सबसे पहले एग्जांपल बता देती हूँ कि एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते क्या है, मतलब किन प्रकार के विकिरणों को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं या विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। तो ये अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने तीन चार एग्जाम्पल लिया हुआ है, जो कि बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल है। सबसे पहला तो सनलाइट, जो सूर्य प्रकाश होता है, वहां से भी हमको पता है कि वहां से भी रेडिएशन निकलता है। तो वो जो रेडिएशन होता है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। सेकंड नंबर का है एक्सरेज। तो ये जो एक्स किरणें होती है, जैसे कि आप लोगों ने एक्सरे सुना ही होगा, जैसे हॉस्पिटल वगैरह हम जाते हैं तो जैसे पैर की हड्डी या फिर कहीं भी टूट टूट जाता है तो डॉक्टर एक्सरे कराने बोलते हैं। जी हाँ, उसी एक्सरे की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये जो एक्सरेज होते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। और भी बहुत सारे रेज हैं, जैसे कि गामा रेज, यूवी रेज, मतलब अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें, ये सभी क्या है, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। इसके काफी सारे गुणों के बारे में, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टर के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसका डायग्राम भी बताऊंगी। ऐसे रेडिएशन या ऐसे विकिरण जिनकी तरंगे मतलब होता है वेव, तो ऐसे रेडिएशन जिनका वेव उस क्षेत्र में विचरण करती है जिसमें विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तथा चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड परस्पर एक दूसरे के लंबवत स्थिति में हो, विद्युत चुंबकीय विकिरण कहलाते हैं। अब देखिए, मैं आप लोगों को इसे डायग्राम में बताती हूँ। यहाँ पे तीन एक्सिस आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिये आर, वाई और जेड, या फिर एक्स, वाई, जेड भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को दो प्रकार का फील्ड दिखाई दे रहा है। सबसे पहला तो ये मैग्नेटिक फील्ड को मैंने ऑरेंज कलर से ड्रॉ किया हुआ है। तो ये जो आपका फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र होता है। और ये जो आपका ग्रीन कलर का जो ड्रॉ किया हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मतलब विद्युत क्षेत्र होता है। तो ये दोनों फील्ड क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत मतलब आप समझ रहे हो, एक दूसरे के लंबवत है। तो ये जो आज हम टॉपिक देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो रेडिएशन होता है जो इस क्षेत्र में वितरण करती है, मतलब इस क्षेत्र में विचरण करती है, मतलब जिनकी जो तरंगे होती है वो इस क्षेत्र में विचरण करती है। ऐसे रेडिएशन जिनकी तरंगे उस क्षेत्र में विचरण करती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के लंबवत स्थिति में हो, विद्युत चुंबकीय विकिरणें कहलाते हैं। जैसे कि सनलाइट, यूवी रेज, गामा रेज, एक्स रेज, ये सब क्या है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाता है। तो क्लियर हो गया इस आज का टॉपिक। तो डेफिनेशन आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो डायग्राम भी आप लोगों को एग्जाम में बनाना होगा, बहुत इजी सा इसका डायग्राम है। अब चलिए मैं आप लोगों को इसके काफी सारे कैरेक्टर के बारे में बताती हूं। 1864 में मैक्सवेल ने बताया कि ये तरंगे मतलब ये जो वेव होते हैं स्पेस में ठीक उसी तरह गति करते हैं जिस गति से लाइट चलता है, मतलब जो प्रकाश की जो तरंगे होती है जिस तरह से गति करते हैं ठीक उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेव होता है, तरंग होता है, वो भी ठीक उसी प्रकार अंतरिक्ष में गति करते हैं। स्पेस मतलब होता है अंतरिक्ष। सेकेंड नंबर का देखिये इसका, ये हम इसके कैरेक्टर के बारे में देख रहे हैं। इन तरंगों के साथ मतलब इन वेव के साथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जुड़े रहते हैं। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस वेव के साथ जुड़े होते हैं। ये तरंगे निर्वात में भी चल सकती है, ये तरंगे निर्वात में चल सकती है। निर्वात मतलब क्या होता है, वैक्यूम। तो ये जो वेव होता है वो निर्वात में भी चल सकती है, मतलब इसका ये मतलब है कि ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इनकी जो भी तरंगे होती है वो अंतरिक्ष में भी गति कर सकते हैं या तो फिर वैक्यूम में भी ये गति कर सकते हैं, मतलब ये हर जगह पे गति कर सकते हैं।
ये तरंगे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन सभी प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो सनलाइट होता है वो सभी प्रकार के गुण दिखाते हैं, परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन, ये सारे गुण जो है वो ये सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी दिखाते हैं। इन पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, ये ड्वेल नेचर प्रदर्शित करते हैं, मतलब इनकी जो प्रकृति होती है वो दैत्य प्रकृति होती है। मतलब ये जो रेडिएशन होते हैं वो पार्टिकल के समान भी बिहेव करते हैं और वेव के समान भी बिहेव करते हैं। मतलब इनमें इनका जो रेडिएशन होता है उनमें काफी सारे छोटे छोटे कण भी पाए जाते हैं जिसे हम पार्टिकल या फिर फोटोन कहते हैं, और इनका जो नेचर होता है वो वेव के समान भी होता है। मतलब आप यहां पर देख रहे हो ये जो रेडिएशन होते हैं वो वेव के समान भी बिहेव करते हैं और इनमें कई बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल भी पाए जाते हैं जिसे हम फोटोन कहते हैं, तो डबल नेचर इसमें होता है। ये तरंगे प्रकाश के वेग से गति करती है, मतलब ये जो इनकी जो तरंगे होती है जैसे प्रकाश का स्पीड होता है, लाइट ऑफ स्पीड होता है, सेम उसी तरीके से ये तरंगे भी चलती हैं। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखा हुआ है, या तो आप ये लिख सकते हो या तो फिर आप ये भी लिख सकते हो, मतलब 2.998 है तो हम उसे 3 भी लिख सकते हैं, ज्यादातर 3×10^8 करके ज्यादा लिखा जाता है। तो ये जो है वो प्रकाश का वेग होता है, तो ये तरंगे प्रकाश के वेग से गति करती है। तो ये सारे पॉइंट है गाइस आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो अगर आप लोगों ने सेकंड ईयर में इसे अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आज का टॉपिक बहुत इजी आपको लगा होगा, बहुत इजी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो रेडिएशन होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक दूसरे से लंबवत होते हैं उस क्षेत्र में विचरण करते हैं, वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब मैं आप लोग तो चलिए गाइस हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, मतलब इनके कौन कौन से गुण होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। यहाँ पे मैं आप लोगों को काफी सारे टर्म्स बताऊंगी जो कि आपके इस पूरे चैप्टर में काम आने वाले हैं। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को समझ जाते हो, काफी सारे यूनिट भी हम देखेंगे, तो काफी ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ तरंग दैर्ध्य, जिसे वेव लेंथ कहा जाता है। तो किसी वेव में दो निकटतम क्रेस्ट के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य करते हैं, मतलब आपको पता ही है वेवलेंथ को हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे वेव देख रहे हो तो इनके जो बीच की दूरी होती है उसे हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं, और मतलब दो तरंगों के बीच की जो दूरी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। मतलब दो क्रेस्ट के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य या फिर वेवलेंथ कहा जाता है। उसी तरीके से अगर हमें इतना निकालना है तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, यहां से लेकर के इस ये वाला जो पॉइंट है इसे भी हम लोग लैम्डा से व्यक्त करते हैं, मतलब ये भी तरंग दैर्ध्य कहलाता है, मतलब ये भी वेवलेंथ ही है। तो वेवलेंथ के लिए प्रयुक्त होने वाले यूनिट कौन कौन से यूनिट हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, तो काफी सारे यूनिट है, देखिए मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ज्यादातर हम एंगस्ट्रॉम ज्यादा यूज करते हैं, तो ये सारे यूनिट है जो हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो पराबैंगनी क्षेत्र होता है, मतलब जो अल्ट्रावायलेट रेज होता है, उनके क्षेत्र के विकिरणों के वेवलेंथ को यहाँ पे आप देख रहे हो 7600 से लेकर के 3800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। तो ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जो भी यूनिट्स वगैरह है उसे आप जान सको कि किस तरीके से वेवलेंथ को हम किस तरीके से लिखते हैं और एक्चुअल में ये वेवलेंथ होता क्या है। तो दो तरंगों की जो बीच क्रेस्ट की जो बीच की दूरी होती है, निकटतम क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होती है वो आपका वेवलेंथ कहलाता है। तो क्लियर हुआ वेवलेंथ आपको, जरूरी नहीं है हमें यहाँ पे एंगस्ट्रॉम ही यूज करें, कई अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं उनके लिए हम अलग अलग यूनिट यूज करते हैं। आगे आप इसे अच्छे से पढ़ोगे तो आप समझ सकते हो। ओके, सेकंड नंबर का है तरंग संख्या, जिसे वेव नंबर कहा जाता है। वेव नंबर वास्तव में एक सेंटीमीटर लंबी रेडिएशन में पूर्ण तरंगों की संख्या होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये क्या होता है, वेव होता है, तरंग होता है। अब यहाँ पे हम लोग तरंग संख्या पढ़ रहे हैं, मतलब वेव नंबर पढ़ रहे हैं, तो कितना, मतलब अगर हमको वेव नंबर पता करना है तो हम लोग कितना सेंटीमीटर लंबा रेडिएशन को एक मतलब वेव नंबर मानेंगे। तो वेव नंबर वास्तव में एक सेंटीमीटर लंबी रेडिएशन में पूर्ण तरंगों की संख्या होती है, इसे हम न्यू बार से व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से हम आगे आप देखोगे न्यू बार करके इसे हम व्यक्त करेंगे, और इसके इक्वल 1/λ होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपको पता है लैम्डा को आप तरंग दैर्ध्य से व्यक्त करते हो, वेवलेंथ को आप लैम्डा करके लिखते हो, तो यहाँ पर जो वेव नंबर होता है न्यू बार इक्वल 1/λ होता है। अब चलिए और भी मैं आप लोगों को टर्म्स बताने वाली हूँ। इसके बाद थर्ड नंबर का हम लोग देखते हैं आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी। तो ये सारे टर्म्स आप पूरे इस टॉपिक में पढ़ने वाले हो गाइस। पर सेकेंड तरंगों की संख्या फ्रिक्वेंसी कहलाती है, मतलब
एक सेकंड में कितनी तरंगे हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहलाता है। इसे हम हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो सेकंड, या हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं और इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हुआ फ्रीक्वेंसी। अब हम वेलोसिटी देखते हैं। तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति का मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो गुणनफल होता है, लैम्डा इंटू न्यू इक्वल वी होता है, मतलब वेलोसिटी वेग इसके बराबर होता है। तो ये तो हुआ गाइस आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें हम लोगों ने काफी कुछ चीजें हम लोगों ने आज के वीडियो में कवर किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डेफिनेशन, इसके कैरेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम क्षेत्र, विभिन्न स्पेक्ट्रम क्षेत्र, मतलब रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट टॉपिक है मस्ट वॉच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कौन कौन से विभिन्न क्षेत्र होते हैं, स्पेक्ट्रम क्षेत्र होते हैं, तो वो मैं आप लोगों को आज डिटेल में बताने वाली हूँ। मतलब नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही रहेगा, तो वो भी आप जरूर देखिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।